हाय गाइस, मैं हूँ रिजाउल। रिजाउल फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि फोर फिंगर में हैंडस्टैंड हो सकता है या नहीं। मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया था, तो इसके लिए क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है आगे चल के। बहुत ही एडवांस है, ये एडवांस लेवल का है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? हाथ के ऊपर तो हमने हैंडस्टैंड किया, फिंगर्स के ऊपर किया, नकल्स के ऊपर किया। अब हमको करना है टू फिंगर्स एंड बोथ हैंड फोर फिंगर हैंड स्टैंड होल्ड एनी विदाउट सपोर्ट। बैलेंस करना है मिनिमम 10 सेकेंड्स। ओके, तो चलो देखते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत कुछ आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, चलो देख। हाय गाइस, सबसे पहले आपको टू फिंगर पुशअप्स वन आर्म 10 आना चाहिए, 10 पुशअप आना चाहिए आपको। हाथ के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आना चाहिए नॉर्मल हैंड स्टैंड, मिनिमम 30 सेकंड्स। टाइम नहीं इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिंगर टिप्स, फिंगर्स के ऊपर हैंड स्टैंड, ये भी 30 सेकंड्स। ये सब अगर अच्छे से आप कर पाएंगे एनी विदाउट सपोर्ट, तो ही आप करने के लिए तैयार हो। टू फिंगर बोथ हैंड फोर फिंगर हैंड स्टैंड होल्ड एनी विदाउट सपोर्ट, वेरी डिफिकल्ट एलिमेंट है। तो ट्रेनिंग करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। इसके बाद मैं इसके ऊपर पुशअप का भी वीडियो बनाऊंगा एनी विदाउट सपोर्ट। तो गाइस, आपने देखा फोर फिंगर हैंड स्टैंड। अरे ट्रेनिंग करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सब्सक्राइब कर लेना।